हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि MIUI 10 के न्यू अपडेट में क्या कुछ नया आया है इस नए अपडेट में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स जाने के बाद जाता हूँ अबाउट फोन जाने के बाद आप देख सकते हैं आप कि MIUI 10 का बीटा रोम जो है वीकली अपडेट है 8.9.13 का है। वीकली अपडेट आता है इसमें जाते हैं। अगर मैं वर्ड्स व्यू में जाता हूँ, वर्ड्स व्यू में जाने का देखा आपके पास सिस्टम परफॉर्मेंस और पिक्सल साइज हमेशा की तरह यही लिखा रहता है और आज भी यही लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि इसमें क्या कुछ नया आया है, क्या इसमें बग फिक्स किए गए और क्या इसमें इम्प्रूव किया गया सिस्टम को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नोट्स में, मैंने सब नोट्स बना रखा है इसका। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको तो इसमें क्या कुछ है। यूटी टाइम इसमें क्या कुछ है, यूटिलिटीज में पता क्या कुछ नया आया तो मैं आपको बताता हूँ। यूटिलिटीज सही है, यहाँ पर अगर ऐप वॉल्टी जाते हो तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूटिलिटीज का नया ऑप्शन आ गया है। इसमें आपको मिलता है रेड बस और बी बस के, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो और ये रेड बस जाकर बस की टिकट बुक कर सकते हो। तो ये एक नया इम्प्रूव आया है इस अपडेट में। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ और क्या नया है इस अपडेट में, तो जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है इसको अपडेट कर दिया गया है। हालांकि मेरे डिवाइस में अपडेट नहीं किया है, काफ़ी सारे डिवाइसेस में अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज स्टेटस, तो ये क्या था जो हमारा जो जैसे कि आप अपर कॉर्नर साइड में देख सकते हो कि जो बैटरी होता है वो बिल्कुल कोने में और जो बैटरी परसेंटेज है वो बीच में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इस अपडेट में ऐसा हो गया। पहले आपको दिखाया था पहले किस तरह था, इसमें ज़्यादा मैं सही जैसे भी देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो बैटरी इंडिकेटर बीच में और जो परसेंटेज है वो कॉर्नर में। लेकिन अब अपडेट के बाद ये उल्टा हो गया, तो ये एक चेंजेस आया इस अपडेट में। उसके बाद क्या चेंजेस आया जो गैलरी आइकन है वो चेंज हो गया। अगर मैं बात करूँ गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले कैसा था, सेंड एडिट डिलीट मोर का ऑप्शन लगता है। लेकिन अब क्या साथ था, अगर मैं अब ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सेंड का इधर आ रहा है, एडिट का इधर आ रहा है और ये लाइक का ऑप्शन आएगा, ये नया ऐड हो गया जो कि यहाँ ऊपर हुआ करता है। ये चेंजेस हुआ है इस अपडेट में। और क्या चेंजेस हुआ इसके बारे में बताऊँ। इसके बाद जो क्लियर ऐप चेंजेस, इसके लिए आपको जाना सिक्योरिटी ऐप में। सिक्योरिटी ऐप में देख सकते हैं क्लियर पर जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया इसका आइकन, और कुछ अच्छा सा लगा ये आइकन, तो ये चेंज कर दिया है क्लियर का। क्लियर का जो है ऐप वो चेंज हो चुका है। इसके बाद जो है बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव, तो उसमें क्या है इस अपडेट में बैटरी परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और काफ़ी सारे डिवाइस में इम्प्रूव हो चुका है। इसके बाद क्या है कि रिपोर्टेड मोड अभी भी हुआ है, तो काफ़ी बुरी बात है कि काम की तरफ से आ रही थी कि अगर रिपोर्टेड मोड काफ़ी सारे डिवाइस में पर ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे डिवाइस में अभी भी रिपोर्टेड मोड नहीं आया। तो क्या मतलब दूसरी खबर आई थी पता नहीं क्या आया तो नहीं रिपोर्टेड मोड। अब आशा करते हैं अगले डेट में रिपोर्टेड मोड जल्दी देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग टाइम और शेड्यूल, तो ये जो अगला जो बग आ रहा था कॉल रिकॉर्डिंग टाइम और शेड्यूल, ये रेडमी फोर डिवाइसेस में आ रहा था। इसमें क्या होता है अगर हम कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉल रिकॉर्ड अगर सेव हो जाती है तो उसका जो सेव होने का जो उसको डिटेल्स देते हैं तो उसमें जो उसमें वो शो नहीं करता, टाइम शो नहीं करता उसमें, तो इसी वजह से काफ़ी बड़ा बग था, टाइम शो नहीं करता था रिकॉर्डिंग का, तो ये काफ़ी बड़ा बग था, इसको भी फिक्स कर दिया गया इस अपडेट। इसके बाद जो क्या बग आ रहा था जो रेडमी नोट 5 के यूज़र थे उनमें जो फिंगरप्रिंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो क्या आ रहा था इसमें जो शाओमी ऐप है, इसमें क्या आ रहा था कि जो शाओमी का जो ऐप है इसमें अब ऐड आएंगे इस नए अपडेट में, तो ये काफ़ी बुरी बात है कि ऐड देखने को मिलेंगे हमें सारे शाओमी के ऐप्स में, जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी ऐड आता है और सारे MI ऐप्स वगैरह, MI कम्युनिटी, MI स्टोर, इन सब में ऐड्स देखने को मिलेंगे आपको शाओमी के ऐप्स में, तो ये काफ़ी बुरी बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक ऐप, तो म्यूज़िक ऐप में अगर आप जाते हो तो म्यूज़िक ऐप में आप जाके
म्यूजिक ऐप में जाने के यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी गाना बजाओ तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ लेकिन सिर्फ 20 MP3 को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं, 20 MP3 गाने आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस नए अपडेट में, ये सब कुछ देखने को मिला है इस नए अपडेट में। MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.9.13 इस अपडेट में ये सब फीचर्स मिले हैं, चेंजेस मिले हैं और इसमें बग फिक्स किया गया ये सब। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब इस लाइक के काले बटन को नीला ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखते रहने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।